अच्छा ये एक चीज मैंने पूछनी है, नाराज नहीं हुएगा, ये मूछों का कुछ सिलसिला है क्या, आपके ब्रांड है क्या ये? साईं तो साईं, साईं के मूछे भी साईं। अशद आप इनकी मूछों से डर तो नहीं रहे? नहीं नहीं मुशद नहीं डर रहा। मूछों को ताव देके एक दफा दिखा दें यार, एक दफा मूछों को। हाँ ये हेलो भाई, मैं सब होगी सर्दी लग रही है हमको, हम सूप सूप पीना है, सर्दी हो गई है। अच्छा चलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? और अभी मशद, मैं और हिदाया और बाकी हम लोग जो है बच्चे यहाँ पर आए हैं सूप पीने के लिए। लियाकताबाद का बहुत मशहूर सूप है। हम आए हुए हैं यहाँ पे हारून चिकन सूप, लियाकताबाद का मशहूर सूप वाले 1991 से। और देखिए ये इनके वर्कर्स ने बाकायदा यहाँ पे जो है ना वो शर्ट्स पहनी हुई हैं। ये हारून चिकन एंड चाइनीज सूप, ये जो है 1991 से यहाँ पर है लियाकताबाद डाकखाने पे, बहुत मशहूर सूप है ये हारून चिकन एंड चाइनीज सूप। इनके पास जो है वो यखनी भी होती है और इनके पास जो है वो चिकन कॉर्न सूप भी होता है। और ये देखें आप वहाँ पे रश, माशाल्लाह ये इनकी सिटिंग अरेंजमेंट्स है, ये देखें पूरे रोड साइड पे रश। मशहद आप कौन सा सूप पियेंगे? मशहद आप कौन सा सूप पियेंगे? आप यखनी पियेंगे? चिकन कॉर्न सूप नहीं पियेंगे? आप कौन सा सूप पियेंगी? इधर चिकन कॉर्न सूप पियेंगी आप? अच्छा चलो ठीक है, आ जाएं। और जो है यहाँ पे फैमिली हॉल भी है, अगर आप अंदर आते हैं तो प्रॉपर बाकायदा पूरा फैमिली हॉल है, आप फैमिली हॉल में भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आके जो है सूप को एंजॉय कर सकते हैं। ये काफ़ी अरसे से है यहाँ पे, 1991 से ये यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। और हम जो है चलते हैं इनके ओनर के पास, इनसे भी कुछ जो है गुफ्तगू शनीद करते हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जो है वो इन्होंने कैसे काम शुरू किया और सारी तफसीलात से आपको आगाह करते हैं, मालूम करते हैं। चलें इनसे हम मालूम करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक। अच्छा हम अभी आए थे यहाँ पे आपके पास जो है वो सूप वगैरह पीने के लिए। ये मशहद है, मशहद सलाम करें। अस्सलामुअलैकुम। अंकल ये बताएं कि किस तरीके से जो है वो इस काम को आपने शुरू किया और कुछ थोड़ी तफसीलात बताएं प्लीज़। मतलब मैं 91 में जॉबलेस था और मेरे ख़ानदान में भी किसी ने काम नहीं किए थे, अल्लाह का शुक्र है BA पार्ट वन से सिराजुद्दौला से करके जॉबलेस था। तो एकदम अचानक दिल में ख्याल आया कि यार ये काम शुरू कर दूँ। बता रहे थे हमें कि वो जॉबलेस थे और फिर उनको आइडिया आया कि इस तरह का काम शुरू करते हैं, पूरी तफसीलात मालूम करते हैं अंकल से। मैं बता रहा था 91 में मैंने काम शुरू किया था, जबकि मेरा बड़ा बेटा है ये 94 की पैदाइश है, इसकी पैदाइश से काम की उम्र ज़्यादा है और अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबियाँ दी। उस वक्त चीज़ें भी सस्ती थी, 3 रुपये का सूप रखा था, 5 रुपये का अंडे वाला रखा था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मतलब ये कि बहुत लाइक किया, मतलब कारवां बढ़ता गया। आज जो है अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अल्लाह ने नाम दिया, कुछ क्वालिटी मेंटेन करी भी है। उस वक्त देसी मुर्गी यखनी में जो है 80 रुपये किलो मुर्गी आती थी, आज 850 रुपये, लेकिन वो ही मुर्गी मौजूद है, और जबकि अब सूप 100 रुपये का हो। अच्छा ये जो आपकी यखनी है ये देसी मुर्गी की है? देसी मुर्गी में, और चाइनीज जो है वो फार्म की मुर्गी में, वो बोनलेस में बनता है। अच्छा ये जो इनकी यखनी है वो देसी मुर्गी में भी, हम आपको यखनी भी दिखाते हैं और पी के भी देखेंगे यखनी कैसी है। वो चिकन कॉर्न सूप है वो बोनलेस के अंदर बनता है, बनने के बिल्कुल जो है ओरिजिनल क्वालिटी के अंदर आपको, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि 2 नंबर टाइप का नहीं है ये? नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र है वो चीज़ें 10 गुना बढ़ गई, लेकिन मेयार मेरा बरकरार है, क्योंकि पैसे भी वैसे ही सूप के ऊपर बढ़ जाते हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं अपने मेयार को ख़त्म करूँ। इसीलिए मैं जो है ना मतलब ये मेयार का बड़ा ख्याल रखता हूँ, जबकि जब मैंने काम शुरू किया था तो 465 रुपये की पेटी थी और 65 रुपये मेरे पास नहीं हो पा रहे थे, मैंने उधार लिए थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि 8,200 रुपये की पेटी परचेज करता हूँ, अल्लाह पाक चलवाता है। पर माशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसी आपके काम में बरकत दे, ऐसी आपको हमेशा जो है तंदुरुस्त और तावा रखे।
और आपकी आने वाले जो आपके लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको अल्लाह पाक इसमें बरकत नसीब फरमाए, हमारी दुआ है। तीन रिट्टी से आप चलेंगे तो डाखान जो पहला पुल आएगा लियाकताबाद का, मतलब पहला पुल पड़ता है ये, बस ये पुल के साथ ही है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, अंसारी मेडिकल है, सामने कादरिया मस्जिद है, बराबर में दुबई होटल है, ये मतलब ये यहाँ पे तो हम 3 साल हुए, लेकिन आगे पहले काउंटर लगता था ठेला, लेकिन अल्लाह ताला ने परवरदिगार आलम ने अता किया तो ये दुकान बनाई और अब लोग बहुत लाइक करते हैं, फैमिलीज आके बैठती हैं यहाँ पे, मतलब अच्छा रिस्पांस मिलता है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपके बच्चे भी आपके साथ ही हैं? जी जी, ये मेरे बच्चे हैं, सबसे बड़ा बेटा है मेरा सैफ अली। अच्छा सैफ भाई, कैसे हैं? सलाम अलैकुम, अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। सैफ भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा अब्बू के साथ ये पूरा सफ़र? और अभी कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते हुए? ये अबे बहुत बचपन से ही समझ लें, बस आँख खुलते ही जब होश संभाला है तो हमने ये अपना काम देखा है सूप का, और जब से ये एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये एक चीज़ मैंने पूछनी है, नाराज़ नहीं हुएगा, ये मूछों का कुछ सिलसिला है क्या? आपके ब्रांड है क्या ये? साईं तो साईं, साईं की मूछें भी साईं, लोगो है क्या? मैं नहीं, मैं एक बात बताऊँ आपको, जेन्युइन सच्ची बात बताता हूँ। एक ज़माना था कि यहाँ पे 8 ठेले सूप के मुख्तलिफ लग गए थे, तो मसला ये होता था जैसे मोहल्ले वाले घर बच्चों को भेजते थे, अब जहाँ रश कम होता था वो दूसरे ठेले से ले जाते थे। तो मेरे एक दोस्त खड़े हुए थे यहाँ पे, केडीए के अंदर डायरेक्टर हैं, थे वो, अल्लाह उनको जनसीब करे, उन्होंने मतलब मुझे ये प्रपोज़ किया कि खाली तुम अपनी एक शिनाख्त बनाओ अलग, जैसे बुंदू खां वालों ने तस्वीर लगाई है, एक तस्वीर लगा दो ताकि बच्चों को फॉलो करके भेज सकें, वो मूछ वाले जो है ना उनसे लेना। मशहद, आप इनकी मूछों से डर तो नहीं रहे? नहीं नहीं, मशहद नहीं डर रहा। अच्छा माशाल्लाह, आपकी भी मूछें जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, और इनकी भी सैफ की भी जो है वो मूछें, ये भी बेटे इससे छोटा है। अच्छा, यहाँ पर भी भाई मूछें हसन है उनके बेटे, ये मूछों का मतलब मूछें आपकी ब्रांड है, ये ब्रांड बन गई है जी। बस ये समझ लें, हमारे जद्दी पुश्ती चलती आ रही है सब बड़ों की, हमारे दादा परदादा अब्बू हम सब भाइयों की, माशाल्लाह। तो अच्छा माशाल्लाह, तो यानी कि ये चिकन कॉर्न सूप पिए आप, यखनी पिए, तो आप भी अपनी मूछों को जो है वो ताव दे सकते हैं, फिर ऐसा कह सकते हैं हम ऐसे। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आखिर में रिक्वेस्ट है, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, कुछ हमारे नाम से फ़ायदा उठा के बोलते हैं ये उनका ही है, उन्होंने लगवा के दिया है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और लोग आके खुद फॉलो करते हैं, यार हम वहाँ से ही कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारा अपना है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी अपनी एक ब्रांच। सही सही, बताने का मकसद ये है कि इनकी कोई और ब्रांच नहीं है, ये एक ही ब्रांच है जो लियाकताबाद डाखाना टिनट्टी से, आप जैसे ही आप उतरे टिनट्टी के ब्रिज को आप क्रॉस करेंगे लियाकताबाद के ब्रिज के बिल्कुल साथ, फरवरी तक हम सूप लगाते हैं, अगस्त से फरवरी तक। वक्त आ गया है कि हम भी जो है इस सूप को ट्राई कर लें, और मैं भी कोशिश करूंगा मेरी भी मूछें जो है वो अच्छी आ जाए इसके बाद। एक साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें, आपको यहाँ पर भी मूछें नज़र आ रही हैं, तो मूछों का मतलब है कि ये जो है ना उनके माशाल्लाह बच्चे हैं, एक और बेटे हैं। हैदर भाई, यहाँ पर रिस्पॉन्स है और आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? अब्बू से बात हुई है, अब्बू ने बाकी भाइयों से तो मिला दिया, मूछों को ताव देके एक दफ़ा दिखा दें यार, एक दफ़ा मूछों को। हाँ, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आपके ब्रांड की जो है ना एक खसूसियात है। बिल्कुल, बस माशाल्लाह से रिस्पॉन्स हमारा ये है कि हमारा एक ब्रांड है माशाल्लाह से, लोगों को यहाँ से फ़ायदा मिलता है इसीलिए वो आते हैं। जैसे देसी मुर्गी से तैयार है यखनी 33 साल से जी। अब मैं आपको ऐसे बंदे से मिलाता हूँ जो हमारे पास 22 साल से हैं। अच्छा, कौन सा? हमारे भाइयों की तरह वो ये हैं जी। भाई, मैं यहाँ पे खालिद भाई के पास 22 साल से काम कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह बहुत ही नाइस इंसान हैं। जैसे कि ये 1991 से काम शुरू किया था, तो उसके बाद मैं 2001 से खालिद भाई के पास काम पे आया, और जब से वहाँ से लेके जो वैरायटी इन्होंने स्टार्ट की है, यानी आज तक माशाल्लाह वही जो है ना वैरायटी सूप में है, कोई चेंजिंग नहीं है, इसीलिए हमारे पास जो है ना एनी टाइम रश रहता है। कितनी साल की उम्र में आए थे आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे आया था 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में उसको दाढ़ी मूछें थी आपकी? दाढ़ी मूछें नहीं थी मेरी, दाढ़ी मूछें यहीं पे आई थी खालिद भाई के पास आके, और माशाल्लाह अभी तक जो है ना इनके पास काम करने में मज़ा आता है, और यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह सब खालिद भाई खुद अच्छे इंसान भी हैं। भाई जब आप
ये गर्मा गर्म सूप जो है निकल रहा है, चिकन कॉर्न सूप, और आप जो है वो इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें आप किस तरीके से जो है ये गर्मा गर्म चिकन कॉर्न सूप वहाँ पे ये भाई निकाल रहे हैं। ये यहाँ पे जो है वो यखनी है। यखनी की खासियत ये है कि ये बिल्कुल जो है वो देसी मुर्गी की यखनी है। ये देखें ये यहाँ पे जो है वो किस तरीके से ये बना रहे हैं। और ये आपको पता है कि पाकिस्तानी जो है वो थोड़ा सा जो है ना स्पाइसी पसंद करते हैं। ये तो हमारे साथ है ही, आपको मालूम ही है कि पाकिस्तानी जो है ना वो स्पाइसी होता है, वरना चिकन कॉर्न सूप में वैसे ये चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। और ये देखें हमने इसके अंदर ये पापड़ी आ गई, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान का चिकन कॉर्न सूप है, पाकिस्तानी चिकन कॉर्न सूप इसे आप कह सकते हैं। ये चाइनीज़ चिकन कॉर्न सूप नहीं है आप कहीं से भी। और इसके अंदर देखें ये पापड़ी भी आ गई, और ये देखें आप ग्रीन चटनी भी है, तो जी ये बाकी मसाले जात भी हैं, और इसके अलावा जो है इसके अंदर फिर चिकन आ जाती है ये, और फिर जो है वो हम एग भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में कराची में ख़ास तौर पे इसी तरीके से जो है वो पसंद किया जाता है। अब हम ये ट्राई करेंगे और ट्राई करके फिर आपको जो है ना रिव्यू भी देते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। आ जाओ सूप पीते हैं ऊपर जाके, आ जाओ, चलो 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 आप लोग चलो, मैं भी चल रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये फैमिली हॉल है, तो यहाँ पर फैमिलीज आके जो है इंजॉय कर सकती हैं इनके सूप को। आओ मशहद, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। हमने अंडे अलग करवा दिए, एग, और ये हमारा आ गया चिकन कॉर्न सूप। और ये मशहद इंजॉय, मशहद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब क्या होता है, मुझे नहीं कराती है साई, तो साई साई की मुझे भी साई, मुझे वाला सूप पिया है हमने। मशहद आपने क्या पिया है? अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।